गुड इवनिंग, मैं सुजीत, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करते हैं एपी, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक, विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए टॉपिक की ओर। एपी से पहले सीखते हैं होता क्या। सबसे पहले सीक्वेंस, ओके, व्हाट सीक्वेंस, तो व्हाट इज सीक्वेंस, राइट डाउन। ठीक, तो सीक्वेंस होता क्या है कि एक डिफिनिट ऑर्डर में क्या होता है, एक नंबर रहता है आपका, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। नाउ अब मेन चीज चलते हैं कि व्हाट इज एपी सबसे पहले, और ये रहा आपके स्क्रीन पर डेफिनेशन। तो ये क्या होता है, अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, ओके, व्हिच ऑल टर्म आर डिफरेंट एंड द प्रोसेडिंग। तो यानी कि क्या होगी आपका, कि सारे टर्म आपका डिफरेंट होगा मगर एक डिफिनिट ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो आइए इनको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, कि कौन सा चीज या कैसे पहचानेंगे एक मैथमेटिकल टर्म की एपी होता है, ठीक। और जो भी अर्थमैटिक, नाम से आप पता चल जाएगा, ए से अर्थमैटिक, पी से प्रोग्रेशन, ए का मतलब ऐसा मैथमेटिकल टर्म, एबीसीडी नहीं, कोई मैथमेटिकल टर्म, और प्रोग्रेशन का मतलब प्रोसीड, यानी आगे बढ़ते रहना। जैसे कोई भी नंबर मैं यहाँ से डायरेक्टली उठाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये देखिए डिफिनिट ऑर्डर में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, 4 और 5 के भी बीच में 1 और 5 और 6 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि ये जो नंबर है डिफिनिट ऑर्डर सीक्वेंस में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, एपी, यानी कि ऐसे नंबर जो डिफिनिट ऑर्डर में है वो एपी होगा। तो क्वेश्चन आता है क्या कि हमेशा डिफरेंस वो नहीं रहने वाला है, तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है आपका, तो उनको हम एपी कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं रैंडमली, जैसे मैंने लिया 4, ओके, 4, उसके बाद मैंने लिया 7, उसके बाद 10 ले लिया, 13 ले लिया, फिर 16 ले लिया। तो ये गिवन एग्जांपल क्या है, एपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक नहीं करना, पहले मैं सिंपल बता दूं सारा रूल एंड रेगुलेशन बता है कैसे चेक करना। तो सिंपली ये भी हमारा एपी में, तो क्या देखते हैं इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो कितने का, 3 का। कैसे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाले टर्म, यानी कि ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यानी सेकेंड टर्म से अगर हम मैं फर्स्ट टर्म घटा दूं कितना आएगा, 3, यानी कि 3 का डिफरेंस है। फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से घटाएंगे, यानी 10 माइनस क्या होने वाला है, 7, तो कितने का डिफरेंस, 3, ठीक है, ये चेक करते हैं। तो सभी में क्या आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये भी जो है वो 3 का डिफरेंस आ रहा है सारे टर्म में, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, इन एपी। तो क्वेश्चन यहाँ एक और आता है क्या, कि जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव में ही होगा तभी एपी होगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ, मान लीजिए कोई नंबर स्टार्ट हुआ 10, ओके, 8, 6, ओके, 4, तो क्या ये एपी में है, बिल्कुल आप भी बता सकते हैं, बिल्कुल है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, -2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, -2 करते थे, यानी कि ये भी आपका, तो यहाँ डेफिनेशन में क्या था, प्रोसीडिंग, यानी कि आगे बढ़ता है। तो वहां पे कहने का मतलब ये था डायरेक्ट सेंस में कि कोई भी नंबर एक डिफिनिट सीक्वेंस में इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, ओके। तो आइए चलते हैं कुछ टर्म पे ध्यान देते हैं, कुछ स्पेशल टर्म पे कि जो एपी से रिलेटेड है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और उसके टर्म को जानते हैं कि एपी में कौन कौन सा टर्म जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, ए आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ए को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए का मीनिंग क्या हुआ, बुक में देख ले, कहीं पे देखेंगे ए लिखा होगा, ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि जो भी सीरीज दिया उसका जो पहला टर्म होगा उसी को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, राइट इट। दूसरा सबसे बड़ा चीज है वो डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन ऐसे डिफरेंस भी मैं लिख सकता था, मगर क्या लिखा हूं, कॉमन डिफरेंस, ठीक। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि सारे जो नंबर दिया हुआ, टर्म दिया हुआ, उनके बीच का डिफरेंस, देखिए 2, ये दूसरा और तीसरा, यानी सेकेंड एंड थर्ड के बीच का भी 2 डिफरेंस है, थर्ड एंड फोर्थ का बीच का भी 2 डिफरेंस, फोर्थ एंड फिफ्थ का भी, ऐसे ही करते, उसी को हम कॉमन डिफरेंस। तो ये जो हमारे आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया, ओके। अब जो तीसरा आता है वो टीएन आता है, यानी नंबर ऑफ टर्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म,
तो tn किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग tn कहते हैं। तो इसमें tn कितना है बताइए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि गिवन एग्जांपल्स में कितने tn दिया, यानी लास्ट नंबर टर्म, ठीक। तो या मान लो कोई अननोन चीज है उसके लिए हम लोग tn यूज करते हैं, मगर यहां पे भी t हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्म, एंड जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर। ओके, तो जैसे मैं n नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि ये एक नंबर है, एट, क्या है, एक नंबर है, तो एट कितने नंबर पे, तो n इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा, फोर, यानी एट किस नंबर पे, फोर। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐसे tn, यानी कि जो tn है यानी कि t4 पे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यहाँ नहीं लिखा होगा, t4 पे, यहाँ पे जो गिवन एग्जांपल t4 पे कौन सा नंबर है, तो t4 पे कौन, वन टू थ्री फोर, यानी t4 पे हमारा कौन सा नंबर है, एट। ओके, कुछ और टर्म को देख लेते हैं, यहाँ पे एक दो टर्म और है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है क्या कि L क्या होता है, L रिप्रेजेंट है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि लास्ट से दो डिजिट, यानी लास्ट से दो, क्या कहते हैं, सेकेंड लास्ट, सॉरी, L हमारा क्या हो जाता है, लास्ट टर्म। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, लास्ट टर्म कहाँ यूज होता है, बोलेगा कि सेकेंड लास्ट टर्म पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा, तो वहां यूज होगा, ठीक। अब यहाँ पर मेन चीज जो आते हैं वो क्या होने वाला है, आपका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन, और ये हो गया डी। ओके, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला किसका, एपी का, और एपी में भी क्या, तो आप समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे या कहां पे यूज करेंगे। ओके, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि मान लो किसी ने ये तो दो चार नंबर दिया, और बताइए कि यहाँ पे वैसे ये सिक्स हो गया टर्म, मान लीजिए एट हो गया, यानी कि ट्वेंटी टर्म पे कौन सा नंबर होगा, विच नंबर इज लाई ऑन द ट्वेंटी टर्म, यानी टी ट्वेंटी पे कौन सा टर्म होगा। तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप लिखते लिखते कब जाएंगे, छोटा सा नंबर है तो इसको हम यूज करते हैं, टी ट्वेंटी। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला चेक कर लेते, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमारे पास ए पता है कितना है, टू है, एन कितना है, एन कितना है बताइए, एन बताइए प्लीज। तो एन हमारा यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि जो यहाँ पे लिखा रहता है फुट पे, यानी टी के फुट पे, वही एन इक्वल टू ट्वेंटी, यानी क्या हुआ, ट्वेंटी माइनस वन कितना हो गया, नाइनटी, इंटू डी कितना है, दो का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस टू का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी टू प्लस मल्टीप्लीकेशन पहले करते, नाइनटीन टू जा थर्टी एट। ओके, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40, यानी 20 टर्म पे हमारा कौन सा नंबर होने वाला है, ऐसे ऐसे अगर जाए तो टी 20 पे हमारा एक 40 नंबर होगा, यानी टर्म 20 पे। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इनको नोट कर लीजिए, बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो और क्लेरिफाई करते हैं कि एपी कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या कर सकते हैं, ठीक। तो अब कैसे पता चलेगा, ये मान लीजिए अगर ए है तो यानी कि ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या होता है, यानी कि टी टू आपको निकालना है, तो क्या करना होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यानी कि यहाँ पे ए प्लस, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, एन कितना दिया, टू, तो टू माइनस वन कर देंगे डी, यानी कैलकुलेट करेगा तो ए प्लस क्या आ जाएगा, डी, यानी टी टू का क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। इससे ये पता चलता है सीक्वेंस देखने से, यानी कि टी वन का क्या होगा, ए होगा, टी टू का ए प्लस डी होगा, तो ऑब्वियसली टी थ्री, टर्म थ्री का ए भी क्या होगा, ए प्लस टू डी होगा, ऑब्वियसली एक कम करना है, जो नंबर रहेगा उससे एक कम। मान लीजिए ऐसे ही करके गए टी फोर पे, तो क्या होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा, थ्री डी। तो इसी सीक्वेंस को अगर हम अपनाते रहे ऐसे ही करके, टी फाइव का क्या होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d, है कि नहीं। उस तरफ किसी ने पूछ दिया कि tn का क्या होगा, सो ऑन करके बहुत सारा नंबर tn का, तो a प्लस n माइनस वन, यानी कि एक टर्म कब रहता था, यानी कि यहाँ n पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1d, और यही हमारा ap का फॉर्मूला होता है। ओके, समझ गए, ठीक। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आएगा कि a दिया हुआ, d दिया हुआ, आप चार ap खोजे, यानी 4 ap खोजे, यानी ए खोजे, मतलब टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी, यानी कॉमन डिफरेंस में ऐड करते जाइए और निकालते जाइए। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और उसको बताइए कि क्या वो क्वेश्चन जो गिवन है,
एग्जाम्पल्स क्या वो एपी है या नहीं है, यानी हमें क्या चेक करना होगा एपी के लिए, नॉर्मली सी बात है, नॉर्मल सी बात है, डिफरेंस चेक करना होगा। ओके तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, चेक करते हैं ये एग्जाम्पल्स रहा आपके पास, आपके स्क्रीन पे ये रहा एग्जाम्पल्स, क्या इनको आप चेक करके बताएंगे कि ये एपी में है या नहीं है, और अगर है तो मेरे को दो तीन चीज बताइएगा कि ए क्या होगा इसका, ठीक, डी क्या होगा, एंड डी ये अगर ये ए और डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, पहले तो आप ये बताइए कि ये एपी में है, इज इट इन एपी और नॉट, अगर है या नहीं है, अगर है तो आप ए और डी निकाल के दिखाइए, और उसके बाद ना मेरे तरफ से ना आप टी फोर निकाल के बताइए कि नेक्स्ट जो इसका टर्म होने वाला है वो क्या होने वाला है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। चलिए टाइम ओवर हो गया, इधर देखते हैं, ठीक, इधर देख लेते हैं कि है कि नहीं, तो मैं इसे इरेज करता हूं और चेक करते हैं एपी है या नहीं। ये रूट सेवन है, ओके, नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट सेवन इंटू फोर, बताओ, नहीं ना पता था, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। नेक्स्ट को क्या लिख सकते हैं, रूट सेवन इंटू नाइन लिख सकते हैं, अरे ये तो याद ही नहीं आया, कोई नहीं, आप देख लो वीडियो और कर लो, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि रूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके तो चलिए, अब दिख रहा है, अभी भी नहीं लगता होगा कि पता नहीं है कि एक चीज तो कॉमन आ रहा है, सेवन सेवन आ रहा है, बट फिर भी इसको और सॉल्व करते हैं, अभी और ब्रेक करते हैं, ठीक। अब ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रूट सेवन, फोर है, फोर को जब रूट से बाहर निकालते हैं तो टू हो जाता है। ओके हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस, बिल्कुल हो जाता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट सेवन का तो होता नहीं, हाँ रूट नाइन का होता है, नाइन को बाहर निकालते तो थ्री हो जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या चीज का डिफरेंस है, तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस कैसे निकाल, ठीक है ये निकाल लिया, पता नहीं अभी भी आपको पता चल रहा है कि नहीं कि ये एपी में है या नहीं है, बट एक स्टेप और मैं आगे जाता हूँ, क्या बताया था चेक करने के लिए कि इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है, यानी कि ये हो गया आपका टी वन, ये क्या हो गया टी टू, ये क्या हो गया टी थ्री। तो चेक करने का तरीका शायद मैं भी नहीं बताया हूँ, यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या होगा कि जब हम T2 को T1 से माइनस करेंगे, नहीं वो इक्वल होना चाहिए जब हम T3 को माइनस करेंगे T2 से, अगर ये LHS equal to RHS हो गया तो यानी कि आपका जो गिवन नंबर है वो क्या है इन AP। ओके तो चेक करते हैं, क्या करते हैं, टू रूट सेवन माइनस रूट सेवन ओके इज इक्वल टू थ्री रूट सेवन माइनस टू रूट सेवन। दिक्कत रूट को सॉल्व करने में, लिंक मैं दे दूंगा, प्रॉब्लम नहीं लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला, गिवन नीचे लिंक में है, ठीक, आप वहां जाइए, रूट का एडिशन सबसेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आप वहां सीख लीजिए, आ जाइए, ठीक, आपको टेंथ में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, नाइन्थ में जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक चीज क्या है कि रूट टू में सेवन रूट टू जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कॉमन तो लेने आता होगा, नहीं तो रूट सेवन कॉमन लेंगे, यानी टू माइनस वन, तो ये कितना हो गया, यानी कि सिर्फ रूट सेवन बचेगा, ठीक, और कुछ नहीं, टू माइनस वन वन, यानी कि रूट सेवन इंटू वन भी करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ करेंगे तो क्या, रूट सेवन कॉमन ले लेते हैं तो थ्री माइनस टू, तो यानी कि यहाँ भी रूट सेवन इंटू वन, तो आने वाला यही चीज है, तो यहाँ यहाँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी तो गिवन नंबर या गिवन डिजिट जो सीक्वेंस में दिया गया है वो एपी में है, तो हमें निकालना है टी फोर, मैं बोला था ना, सॉरी टी फोर मत निकालिए, टी फाइव निकालते हैं, यानी कि टर्म फिफ्थ क्या होगा, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। चलिए कंसंट्रेट, यहाँ टी फाइव निकालते, तो एक फॉर्मूला बेसिक सा बताया था है ना, तो टी फाइव निकालते क्या, टी फाइव टर्म फाइव, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन एन माइनस वन डी होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि ए क्या होता है रूट अंडर सेवन, एंड डी भी आपका ना रूट अंडर सेवन ही आया था, तो निकालते हैं टी फाइव, तो ये तो फॉर्मूला हो गया आपका टी एन का, टी फाइव का निकाल सकते, तो ए प्लस पांच में से एक जाएगा, फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर डी, वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना है रूट अंडर सेवन फोर, डी कितना है रूट अंडर सेवन, तो ये कितना हो गया रूट अंडर सेवन इन सॉरी इंटू नहीं सॉरी सॉरी यहाँ क्या होगा प्लस प्लस, तो ये क्या होगा फोर रूट अंडर सेवन, तो ये कितने हो गए फाइव रूट अंडर सेवन,
दिक्कत मेरे को पता है यहाँ पे आपको रूट में सॉल्व हो रहा है, प्लीज जाके लिंक को देखिए, रूट को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए ये जो गिवन था वो जो टर्म था या जो नंबर गिवन था डिजिट वो क्या था, सीक्वेंस में था और ये एपी भी है। तो नेक्स्ट कर चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। ओके, और ये क्या दिया हुआ, कुछ सीरीज दिया हुआ है सीक्वेंस यहाँ, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे सो ऑन है ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, टी एन यानी कि लास्ट टर्म, यानी कोई भी एक अननोन टर्म खोजना है जहां पे हम जो वैल्यू रखेंगे, जो भी क्वेश्चन है टी 15 टी 4 टी 5 कुछ भी रखें, तो यानी कि हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो टी एन क्या होगा इस टर्म में, अगर ये नंबर दिया रहेगा तो इसका टी एन क्या होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे। मेरे को पता है ए क्या होगा 14, डी कैसे निकालेंगे तो सॉल्व कर लीजिए ना, 9 - 14 तो कितना हो जाएगा -5, यानी डी हमारा क्या हो गया -5। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 9 - 14 ओके होगा ना, 10, 11, 12, 13, 14 ओके चेक कर लीजिए। अरे मैं चेक कर लिया, गलत नहीं हो जाए, बाद में बोलते रहते हो गलत होता है ठीक। तो इसको चेक कर लेते हैं, तो ये ए और डी आ गया अपन का अपने को। तो यहाँ पर करना क्या है कि टी एन निकालना है, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस केस में क्या होगा, जब ए एंड डी गिवन है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी एन, बिल्कुल सही सोच रहे, निकाल सकते तो बिल्कुल निकालिए। क्या करना है आपको, ए एंड डी का वैल्यू पुट कर देना और वो फॉर्मूला हो जाएगा, उस फॉर्मूला में आप जो भी टर्म डालेंगे वो क्या आने वाला है, करेक्ट। तो सॉल्व करते हैं, ए हमारा क्या है 40 प्लस, और एन तो मेरे को पता नहीं है एन माइनस वन, बट डी कितना है माइनस, कितना दिया हुआ 5 गिवन है ओके। गौर से ये d का वैल्यू है कि नहीं, यहाँ मैं निकालू ठीक है। तो 14 प्लस, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस दे दे रहे हैं, माइनस 5 इंटू एन माइनस 5 माइनस 5 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 5 ओके। तो ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए 14 प्लस 5 कितना हो गया 19 ओके, सॉरी यहाँ मैं n छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया टी एन का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए हर एक टीएन का अलग फॉर्मूला होगा, अगर मान लीजिए जिनका टर्म चेंज कर दिया जाए, सीरीज चेंज कर दिया जाए, तो उनके लिए टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन पे आते हैं कि टी 15 कैसे निकालेंगे। तो इजी है, कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है टी 15, इसको नीचे वाले को मैं रहने दे रहा हूँ ठीक। टी 15 निकालना है, कितना टी 15, तो टीएन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 19 और माइनस 5n है ना, तो n कितना दिया हुआ है, n हमें 15 दिया हुआ है, तो बोले ये n कहाँ दिया हुआ है 15, यहाँ t के जो फुट पे रहता है वही n होता है, कितना दिया हुआ है 15। तो इजी सा है, 19 माइनस और 15 दिया हुआ था, 5 into 15, 15 का टेबल तो आता ही होगा, 19 की नहीं आ रहा, वो भी नहीं आता है, आता होगा बिल्कुल, मेरे को पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, 19 का टेबल एटलीस्ट सुना दो, नहीं ना आता है याद कर लोगे, अरे कोई नहीं 10 का टेबल आता है कर लेते हैं, 15 × 5 = 85 है ना, अच्छा याद है 75, 15 × 5 = 75 मेरे को लगा याद नहीं होगा, चलो कर लेते हैं, फिर इधर कर लेते हैं, अरे मेरे को एडिशन ही नहीं आती है, आती है कैसे करते हैं एडिशन उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया कितना 5, 1 कैरी लेंगे 15, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6 ओके, और ये बच गया 6, 6 में से 1 गया 5, और विच वन इज ग्रेटर -75, ये भी नहीं आता है 56 होगा, सीख लो बाबू अभी एग्जाम का टाइम है और घबराओ मत, यहाँ माइनस मैं कर देता हूँ। तो ये टी 15 कितना हो जाएगा, एक चीज के लिए मत घबराना, एग्जाम आप लोग का अभी नहीं होने वाला है जो मार्च या स्टार्टिंग फेब में, आराम से टेंशन चिल लो और मोर पढ़ाई का ध्यान दो, और आपका लगभग मिड मार्च या अप्रैल खींच लेगा, उसके बाद एग्जाम होगा, तो ओके ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो, मगर हाँ पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, स्कूल में अगर प्री बोर्ड हो रही है कहीं पे भी हो रही है तो आप मेरे को कमेंट करो कि इस चीज के बारे में बताओ, कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उन पे वीडियो बना के लाऊंगा ठीक है। तो आप कमेंट करो क्या करना है, केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे भी कर सकते हो ठीक। तो सब्सक्राइब प्लीज चैनल ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है।
ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं कि ये पहले से क्वेश्चन दिया हुआ कि एपी में है जिसका टीएन दिया हुआ, तो पहले हमें फाइंड क्या करना है, ए करना है डी करना है, अगर ये दोनों फाइंड कर लेते हैं तो T19 प्लीज कृपया फाइंड कर ले। ओके, तो मैं पहले ही बताया था सीक्वेंस में अगर चलते हैं तो क्या पहला क्या था कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, T1 निकाल लेते हैं, T2 निकाल लेते हैं, T3 निकाल लेते हैं, यानी n हमारे पास है निकाल लेंगे, और जैसे ही मेरे पास सीक्वेंस आ जाएगा सीरीज आ जाएगा मैं क्या कर लूंगा उससे माइनस कर लूंगा। ठीक है, तो a तो मेरे को पहले ही मिल जाना है T1, यानी हमें 5 में क्या कर देना होगा 1 पुट कर देना होगा माइनस 2, तो कितना हो गया कुछ नहीं लिखते डायरेक्ट मैं 5 लिख देता, 5 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 − 2 इक्वल टू क्या हो गया 3। दूसरा आते हैं 5 × 2 − 2 कितना 5 × 2 = 10। ऐसे मत करना, हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्यों 2 − 2 कितना 0, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 5, ऐसा मत करना। ओके, बोर्ड मास रूल आता है ना, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि ऐसे भी बच्चे मेरे को मिले कि इसको सॉल्व करना है तो क्या करना, अच्छा 2 − 2 कितने हो गए 0, यानी कि कट गए 2 में से 2 गए बच्चे 5, ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा गौर से। ठीक, मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में गलतियां करते हैं बच्चे। ओके, तो कितने हो जाएंगे 10 − 2 अपने को कितने आया यहाँ पे 10 − 2 = 8 आएगा। मेरे को आता है, मेरे को लगा कि नहीं आता, मैं सिर्फ भूल गया, नहीं नहीं आता है, क्या सर 5 × 3 − 2 ठीक 5 × 3 = 15 − 2 कितने हो गए प्लीज 13। तो देख लेते हैं यहाँ पे मेरे को सीरीज मिल गया, बहुत ज्यादा निकालने कम से कम एटलीस्ट आप 3 निकाले, तो सीरीज आपका क्या हो गया 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके सो ऑन। तो सबसे पहली बात कि मेरे को ए मिल गया, यानी ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3, डी कितना होगा 8 में से मतलब 8 − 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा डी इक्वल टू 5, यहाँ भी चेक करें 13 − 18 करेंगे तो, यानी कि मेरे को ए मिल गया डी मिल गया। तो क्वेश्चन क्या है कि T19 क्वेश्चन क्या था स्क्रीन पे देखिए आया था, अगर पॉज करके बैक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा T19 खोजना था। ओके, यानी कि 19th टर्म पे कौन सा डिजिट आएगा, अगर 3, 8, 13 है तो T3 हो गया, उसी तरह आता जाएगा तो T19 पे यहाँ कौन सा डिजिट आएगा। तो नाउ लेट्स क्या करते हैं चेक द आंसर, नॉट अ चेक फाइंड द आंसर। ओके, तो T19 तो कुछ नहीं करना है 5 × 19 − 2 अरे बाबा ये तो आ सकता था, मेरे को आता था, मेरे को नहीं आपको आता था, क्यों नहीं किया पहले, स्कूल में भी पढ़ाई होगी, सोते रहते हो, सोना नहीं है, क्या करना है कुछ नहीं करना है, जा जाओ दिया। तो इधर क्या कर लेते हैं, ये मेरे को पता है ए और डी, ओहो अरे कुछ नहीं बाबा ये तो सिंपल था, मैं तो और इनको क्या कर दिया लॉजिस्टिक बना दिया, सॉरी लॉजिस्टिक नहीं कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ओके, तो कुछ नहीं करना था, अरे यार मैं भी कहाँ खो गया। अच्छा दो तरीका मैं चेक करके बता दूंगा सही आता है कि नहीं, तो टी में डाल के TN में डाल के TN टर्म था, तो उसको कोई भी फॉर्मूला डालो तो सारे सही हो जाते, हर एक का अपना अपना TN होता। तो 95 अभी, अरे मैं तो पहले ही अभी वीडियो में कर रहा था, मैं तो लुट गया। अब कैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 90 का टेबल तो आ नहीं रहा होगा, अच्छा आ रहा है 90 का टेबल, तो 95 जा 85। अच्छा कितना 95, ओहो गुड 95 − 2 कितने हो गए हमारे 97। अच्छा ये गलत हो गया, सॉरी कितने 93, गुड चलिए इससे बनाते ए और डी दिया हो तो T19 कैप कितना होगा। ठीक है चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले, याद है कि 93 आया था 19 टर्म पे, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यहाँ इरेज कर दिया, गलत मत कर देना। ओके मैं छोटा सा खून लिख देता हूँ, तुम लोग पे कोई भरोसा नहीं कुछ भी बोल देता हूँ। चलो T19 निकालना है ना, तो हम लोग का ए पता है कितना है, ए पता है A3 n − 1 होता है n − 1 यानी कि n 19 − 1 18 into क्या कर देंगे 5 कर देंगे, अरे बाबा क्वेश्चन क्या हो गया गलत हो गया 3 प्लस और 18 × 90 90, ओ मैं सोचा था 85 जा 85 होता है, मैं तो बोला गलत कैसे हो गया जी 90 के, देखो कान इधर से पकड़ो कान खिंचाता है, सॉरी क्या मैं बेतुका बात कहानी, इधर से
लेफ्ट पकड़ो राइट, ठीक है जो भी है। नेक्स्ट पार्ट वीडियो होने वाला है, आप तो बने रहिए, डेली आइए, 10 to 20 मिनट्स का वीडियो होने वाला है और सीखते रहिए अपने क्लास में ट्यूशन की तरह। और सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।